फिर बढ़ी संदीप माहेश्वरी की मुसीबतें, डॉक्टर बिंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामने रखा सच। मुश्किल में संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किए कई बड़े खुलासे। विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी पर किए तीखे हमले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे बात। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच पिछले साल दिसंबर 2023 में शुरू हुआ विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। YouTube वीडियो से शुरू हुआ ये मामला आज कोर्ट तक पहुंच चुका है। इतने महीनों से दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी, लेकिन हाल ही में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फिर YouTube पर वीडियो डालकर अपना पक्ष और पूरा मामला जनता के सामने रखा है। इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है ये जानने से पहले आइए ये जानते हैं कि असल में ये पूरा मामला क्या है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब मोटिवेशनल स्पीकर एवं यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर विवेक बिंद्रा को और उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड पर 500 करोड़ का स्कैम करने की बात कही गई। ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, वीडियो अपलोड करने के बाद संदीप माहेश्वरी की ओर से कई सारी कम्युनिटी पोस्ट और वीडियोज लगातार अपलोड किए गए जिसमें डॉक्टर बिंद्रा पर गुमराह करने का आरोप लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, संदीप माहेश्वरी की ओर से #StopVivekBindra और बिग स्कैम एक्सपोज्ड जैसे कैंपेन भी चलाए गए जिससे डॉक्टर बिंद्रा के बिजनेस और सामाजिक छवि को काफी नुकसान हो रहा था। इस तरह के नेगेटिव कैंपेन को अपने खिलाफ होते हुए देख डॉक्टर बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के खिलाफ फरीदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दायर कर दिया। फरीदाबाद कोर्ट ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलने पर रोक लगा दी। इस वीडियो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी द्वारा लगाए गए प्रत्येक आरोप का जवाब दिया है और साथ ही उन्होंने आमने सामने आकर बात करने का आमंत्रण भी दिया है। तो वहीं पर देखा जाए तो संदीप माहेश्वरी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, उन पर कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अब भी जारी हैं, वो अब भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो उनकी सामाजिक छवि पर या उनके बिजनेस पर बुरा प्रभाव डाले। इस तरह से देखा जाए तो अब ये पूरा मामला डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मिस्टर माहेश्वरी के शो पे भी ये क्लेम किया गया कि भाई हमारे यहाँ रिफंड पॉलिसी नहीं है, पैसा रिफंड नहीं किया गया। आपको जान के हैरानी होगी और जान के खुशी भी होगी, हमारे यहाँ रिफंड के 3 प्रोसेस हैं, सबको बता देते हैं साफ साफ, आज सबके सामने टेलीविजन पे, न्यूज चैनल पे, प्रिंट पे ये क्लियर कर देते हैं। 3 स्टेप है। पहला स्टेप है क्वालिटी ऑफ सेल्स। जैसे ही कोई सेल्स हुई हमारी टीम से फोन जाता है और पूछता है कि क्या आपको पॉलिसी और प्रोसेस पूरा समझ में आ गया। वो बोलता है पॉलिसी और प्रोसेस पूरा समझ में आ गया तो ठीक है। अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग पे बोलता है मुझे पॉलिसी प्रोसेस गलत बताया गया, उसको ऑन द स्पॉट रिफंड दिया जाता है। दूसरा, 5 दिन तक वेट किया जाता है कि अगर उसके बावजूद भी आपको अच्छा नहीं लगा और आपको लगा आपके काम का नहीं है तो भी रिफंड कर दिया जाता है। और तीसरा, 100 दिन का MBG प्रोसेस है, मनी बैक गारंटी प्रोसेस। 100 दिन तक अगर आप 3.5 घंटा काम करते हैं अर्निंग के लिए आए और अगर आप नहीं कमा पाए तो भी पैसा रिफंड कर दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।